अयोध्या जाते हुए राम भक्तों में दिखाई दिया जबरदस्त उत्साह। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस प्रकार अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष किया और आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह सुखद पलाया तो राम भक्तों की आंखें नम हो गई। कोटा से अयोध्या जाने वाली ट्रेन में राम भक्तों ने हमारे सामने अपने विचार व्यक्त किए। इस ट्रेन में 1500 के लगभग कार्यकर्ता शामिल थे। उक्त जानकारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ जार के प्रदेश उपाध्यक्ष भावर सिंह कछवाहा द्वारा दी गई। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। किस प्रकार का माहौल लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा, सभी बड़े प्रसन्न है, सब आह्लादित है, प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने जा रहे हैं। परसों बाद ईश्वर की दर्शन की जो लाल साथी मन में उसको सजे हुए है, आनंदित अनुभव कर रहे हैं और ईश्वर के ध्यान का रखते हुए सभी प्रकार का आनंद अनुभूति हो रही है। रेलवे की बहुत अच्छी व्यवस्था है। किस प्रकार का आयोजन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर? अकल्पनीय। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा हो रहा है। रेलवे वालों ने बहुत शानदार व्यवस्था है, सुविधाएं। किस प्रकार का माहौल है, इतने समय के बाद रामलला का मंदिर तैयार हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? अति सुंदर लग रहा है और ये नगर 500 वर्ष के बाद पहली बार जिन्हें मतलब इतनी पीड़े खपने के बाद आज अभी हमारा मतलब सौभाग्य है, मतलब इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे उस हिसाब से हमारा सामने रामलला का मंदिर बन रहा और भव्य मंदिर बन रहा, उसके दर्शन हेतु सभी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ उसके बाद सभी दर्शन के लिए पूरा देश लालायित है और सभी उस हिसाब से जा रहे हैं, हम भी उसी क्रम में आज जा रहे हैं दर्शन के लिए। आपका शुभ नाम? आज जो रामलला के लिए दर्शन के लिए इतने सारे स्वयं सेवक जा रहे हैं, कार सेवक जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही प्रसन्नता हो रही है क्योंकि बाहर में हम गए थे और नारा लगाया था कि कसम राम सौगंध राम की खाते हैं मंदिर यही बनाए, तो वो आज सपना पूरा हो गया। अच्छा, आपका कार सेवक में सम्मिलित है आप भी? तो कैसा महसूस हो रहा है जब आपने इतना संघर्ष किया और आज उस पल को आप जी रहे हैं, राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया है और ये सोच रहे हैं कि आप जीवन की सार्थकता प्राप्त कर ली है एक प्रकार से।